हमारा कितना सिलेबस, हमने यूनिट वन स्टार्ट की थी जिसमें से हमारा टॉपिक लाइन नंबर वन कंप्लीट है, लाइन नंबर टू कंप्लीट है, थ्री भी कंप्लीट है, फोर्थ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कंप्लीट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कंप्लीट हो गया, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमने कल किया था, आज हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में वर्ल्ड बैंक, IMF और UNCTAD। सो स्टार्ट करते हैं, अब आ जाते हैं हम अपने सिलेबस पे 45th पेज पे। सो इट विल बी, हमने यहाँ से ये तो हमने कर लिया था, सो यहाँ से की फंक्शन देखो। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं IMF, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो जो IMF है ना, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके इस्टेब्लिशमेंट पे इसका जो प्राइमरी गोल था वो ये था कि जो आपके ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन है कंट्रीज़ के बीच में, यानी जो IMF के मेंबर कंट्रीज, उसको प्रमोट किया जा सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके, जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड कंडक्ट कर रहे हो आप उसको फैसिलिट किया जा सके, और इकोनॉमिक ग्रोथ तो देखो आपने करनी करनी है, वो इसका मेन एम था कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को इनकरेज और फोस्टर किया जाए। अब कुछ की फंक्शंस थे IMF के, उनमें से सबसे पहला आता है सर्वेलेंस। देखो सर्वेलेंस मतलब निगरानी रखना, यानी IMF का पहला फंक्शन था कि जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ये उनको मॉनिटर कर रहा था, जो आपके एक्सचेंज रेट्स हैं और पॉलिसीज हैं जो मेंबर कंट्रीज के हैं उनको मॉनिटर कर रहा था, ताकि जो इसके लिए पॉसिबल हो सके कि ये रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाए और कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस को ये प्रोवाइड कर पाए जो नेसेसरी या इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। सेकंड जो इसका की फंक्शन था वो था फाइनेंशियल असिस्टेंस का। देखो ये जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, ये फाइनेंशियल सपोर्ट और लोन्स प्रोवाइड करता है अपनी मेंबर कंट्रीज को, यानी जो मेंबर कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं, यानी उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंट में जा रहे हैं, तो वो IMF से फाइनेंशियल सपोर्ट और लोन्स ले सकते हैं। ये उनको हेल्प करेगा, यानी IMF बेसिकली उनको हेल्प करेगा स्टेबलाइज करने में इकोनॉमीज को। ओके नेक्स्ट था ये टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। देखो जो IMF है ना, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये टेक्निकल एक्सपर्टाइज ऑफर करता है अपनी मेंबर कंट्रीज को, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑफर करता है, ये उनकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट ये रिसर्च और एनालिसिस को भी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। देखो रिसर्च और एनालिसिस डिपेंड वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज पे, जो भी आपको जितने भी आपके इकोनॉमिक इश्यूज अराइज हो रहे हैं उन पे जो आपने रिसर्च और एनालिसिस कंडक्ट करना है उसको करने में IMF हेल्प करता है मेंबर कंट्रीज को। ये इवन उनको नॉलेज शेयर करने में भी हेल्प, यानी उनको हेल्प नहीं कह सकते, इन शॉर्ट ऑफ सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि ये नॉलेज शेयर करता है और उनको अलाउ करता है कि मेंबर कंट्रीज में वो भी रिसर्च एंड एनालिसिस जो उन्होंने कंडक्ट किए हैं, जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो आपस में उसको शेयर कर पाए। तो ये तो था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, बस आपको इतना ही करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, यानी जो मेन हमारा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आता है वो वर्ल्ड बैंक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में। देखो जो वर्ल्ड बैंक है ना, कई बार हम इसे ऑफिशियली इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के नाम से भी जान सकते हैं कई बार, मतलब अब तो हम इसे, पहले तो ये कहीं ना कहीं ना सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एक ग्लोबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड बैंक का मेन एम क्या था, इसका मेन एम ये था कि पॉवर्टी ये रिड्यूस करेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोवाइड करेगा बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्री। जितनी भी वर्ल्ड बैंक की मेंबर कंट्रीज हैं उनको वर्ल्ड बैंक एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ताकि जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके और पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। वर्ल्ड बैंक की ना दो प्राइमरी आर्म्स थी, सीधा पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, जिसमें से सबसे पहली थी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, इसीलिए कहीं ना कहीं कई बार वर्ल्ड बैंक को इसके ऑफिशियली नाम से भी जाना जाता है। अब जो IBRDI, इसका मेन एम था लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना मिडल इनकम और जो क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज हैं उनको उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करने के लिए, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर सके उसके लिए, वो अपनी इकोनॉमी में पॉलिसी रिफॉर्म्स ला सके उसके लिए ये लोन्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट प्राइमरी आर्म थी वो थी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी IDA। अब जो IDA ना, ये ग्रांट्स और कंसेशनल लोन्स ऑफर करता था वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज को,
जो सपोर्ट किया जा सके पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, सोशल प्रोग्राम्स को और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को लिया जा सके। अब जो वर्ल्ड बैंक है ये रिसर्च कंडक्ट करता है, ये पॉलिसी एडवाइस प्रोवाइड करता है, इवन जो इसने पॉलिसीज बना दी उनको एडवोकेट करता है ताजो ये अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पाए कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके और जो डेवलपमेंट उसे सस्टेनेबल बना सके, यानी कि आपकी डेवलपमेंट चलती ही रहे। देखो जो वर्ल्ड बैंक का मेन फोकस है ना वो है प्रॉपर असेसमेंट, उसने करे वो प्रॉपर असेसमेंट करेगा रीपेमेंट प्रोस्पेक्ट्स की, यानी लैंडिंग फॉर इकोनॉमिक एंड टेक्निकली। पहले इसको समझ को फिर आगे करते हैं। देखो वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी वर्ल्ड बैंक पैसा वापस भी लेगा। सो ये अच्छे से प्रॉपरली असेस भी करता है कि इकोनॉमी का रीपेमेंट प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, वो लैंड करेगा इकोनॉमिकली और टेक्निकली साउंड प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी उन प्रोजेक्ट्स के लिए ही वर्ल्ड बैंक ग्रांट्स को देगा जो उसे इकोनॉमिकली और टेक्निकली साउंड लगेंगे। इवन ये फॉरेन एक्सचेंज का जो कंटेंट है, जो उसकी प्रोजेक्ट कोस्ट है, उसको भी सपोर्ट करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम डिटेल में वर्ल्ड बैंक ग्रुप को करेंगे कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है। ओके, सो मूव ऑन करते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, देखो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ना, इसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो काम करते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। अब जो इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आते हैं उनको डिटेल में स्टडी करते हैं, जिनमें से दो ऑलरेडी हम स्टडी कर सके हैं जो प्राइमरी आर्म्स थी। इनमें से सबसे पहला था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जिसे 1944 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका काम था लोन्स और डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करना मिडिल इनकम और जो क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज है। सेकंड जो इसका मेन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो इंस्टीट्यूशन मेंबर था वो था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, जो 1960 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका भी अगेन काम था ग्रांट करना लो इंटरेस्ट लोन वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज को, ताजो ये सपोर्ट कर पाए उनमें जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कैरी आउट किए जा रहे हैं और इनिशिएटिव्स। इन शॉर्ट सिंपल भाषा में लो ग्रांट्स और लो और जीरो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं इसके थ्रू वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज को। नेक्स्ट जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है वो है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे हम MIGA के नाम से भी जानते हैं। देखो MIGA ना जो ये पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और क्रेडिट इन्हेंसमेंट प्रोवाइड करता है, ताजो ये इनकरेज कर पाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज में। यानी इसका मेन पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और क्रेडिट इन्हेंसमेंट प्रोवाइड करने का मेन एम ही ये है कि ये FDI को प्रमोट कर पाए डेवलपिंग कंट्रीज में। ओके, इन शॉर्ट FDI जितनी होगी डेवलपिंग कंट्रीज में उतनी उन इकोनॉमीज की, उतनी उन कंट्रीज की डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आता है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, जो 1956 में एस्टैब्लिश किया था। देखो जो IFC का मेन फोकस है ना वो है प्रमोट करना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज में, ताजो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके और पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। अब ये तो थे मैंने 1, 2, 3, 4 और बेसिकली 4, वैसे तो 5 हैं, 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर्स हैं जो पेपर में जिनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। सो आप इनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट आते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल जो वर्ल्ड बैंक के हैं। अब ये गाइडिंग प्रिंसिपल है तो वर्ल्ड बैंक के, बट है किसके रिगार्डिंग? ये है लैंडिंग ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, जिनका मेन फोकस ये है कि इफेक्टिव और सस्टेनेबल यूज किया जा सके वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक के फंड्स का। देखो वर्ल्ड बैंक का मतलब है फंड्स ग्रांट करना। अब जो ये प्रिंसिपल है ये हेल्प करते हैं कि जो ये फंड्स ग्रांट किए जा रहे हैं इनका इफेक्टिव और सस्टेनेबल यूज किया जाए। अब जो प्रिंसिपल्स है उनको स्टडी करते हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। देखो सबसे पहला है प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रीपेमेंट प्रोसेस प्रॉस्पेक्ट्स। देखो जो वर्ल्ड बैंक है ना वो असेस करता है रीपेमेंट प्रॉस्पेक्ट्स जो लोन के, ताजो इंश्योर किया जा सके कि जो बोरोइंग कंट्री है उसके पास इनफ कैपेसिटी है कि वो लोन को रीपे कर पाएगी और जो उसके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बनती हैं उनको वो मीट अप कर पाएगी, यानी उनको टाइम पे कर पाएगी। सेकेंड जो है वो है लैंडिंग शुड बी फॉर इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली साउंड प्रोजेक्ट्स। अब देखो जो वर्ल्ड बैंक का मेन फोकस है ना उसका मेन फोकस है लोन प्रोवाइड करना उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो एक तो इकोनॉमिकली वायबल हैं, टेक्निकली फिजिबल भी हैं और जिनकी हाई प्रायोरिटी है बोरोइंग कंट्री में। इससे क्या इंश्योर होगा? इससे ये इंश्योर होगा कि जो फंड्स ग्रांट किए जा रहे हैं उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज किया गया है बोरोइंग कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट आता है इसमें द लैंडिंग शुड इनेबल फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। देखो जो वर्ल्ड बैंक का एम है ना वो है प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना जो हेल्प करेंगे इंप्रूव करने में फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स और रिड्यूस करने में कि फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स बोरोइंग कंट्री की, यानी दो चीजें हैं इसके अंदर। क्या देखो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वो उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करे
पहला जो हेल्प करेंगे इंप्रूव करने में फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स, यानी जो प्रोजेक्ट फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स को बढ़ाएंगे उनको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करेगा। सेकंड, जो एक बोरोइंग कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट है उनको रिड्यूस करने में जो प्रोजेक्ट हेल्प करेंगे उनको भी वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करेगा। इससे क्या होगा, इससे ये श्योरिटी हो जाएगी जो प्रोजेक्ट है वो कंट्रीब्यूट करेगा कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में और सस्टेनेबिलिटी में। ओके, समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। एस एक क्वेश्चन और आया था, एक बार फिर आपको रिकैप दे देता हूँ। सिंपल या वही चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लोन्स और ग्रांट्स जो प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज को, जिसका पर्पस क्या होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जिसमें से पहला है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मैंने आपको बता दिया। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC मैंने बता दिया। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA मैंने आपको ये इसका भी बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर रहे हैं, वो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD। देखो जो UNCTAD है ये यूनाइटेड नेशंस बॉडी है, ये एक यूनाइटेड नेशंस बॉडी है जिसे 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाने के लिए, पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थी, ताकि जो उनके डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो पाए। अब कुछ की फंक्शंस हैं UNCTAD के, उसको करते हैं। इसमें से सबसे पहला फंक्शन आता है रिसर्च और एनालिसिस का। देखो जो आपका UNCTAD है ये हेल्प करता है रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, रिसर्च एंड एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए। जो करोगे किस पे आप इंटरनेशनल ट्रेड पे रिसर्च करोगे, इन्वेस्टमेंट पे रिसर्च करोगे और जितने भी आपके डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज है, ताकि जो आप पॉलिसी रिकमेंडेशंस को प्रोवाइड कर पाओ। सेकेंड है ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इवन ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करेगा, पॉलिसी एडवाइस देगा, टेक्निकल असिस्टेंस देगा, ताकि जो जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इंटीग्रेट हो पाएं ग्लोबल इकोनॉमी में, वो अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज को इन्हेंस कर सके, उनको बढ़ा पाएं। नेक्स्ट क्या आता है इसका मेन की फंक्शन, ट्रेड को फैसिलिटेट करना। देखो ये डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करता है ट्रेड नेगोशिएशंस करने में, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है, कोई ये डिस्करेज करेगा कि कोई भी मेंबर कंट्री अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना हो, और जितने भी आपके ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने में भी ये आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। देखो जो UNCTAD है ये इनकरेज करेगा जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट फ्लोस हो रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के रिगार्डिंग, रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, और क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है उनको भी ये प्रमोट करेगा। अब जो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, ये एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को फॉस्टर करने में। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, जितने भी आपके कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड है जितने भी वो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको ये एड्रेस करते हैं। ओके, होप सो आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो, आपका डाउट 101% है क्लियर हो जाएगा। आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम UGC NET दिसंबर 2023 कॉमर्स मेड इजी है, दोनों ही इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएंगी। सो डू सपोर्ट माय इनिशिएटिव, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर्ड वे में डेली क्लासेस हैं। YouTube चैनल को आप जरूर बेल आइकन भी प्रेस कर दो, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी सॉलिड तरीके से साथ के साथ कर सको। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है UNCTAD रिपोर्ट 2020। देखो अकॉर्डिंग टू UNCTAD रिपोर्ट 2020 जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इनफ्लोज थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पेपर में पूछे गए थे, वो किस प्रकार थे। सबसे तो पहले जो FDI सबसे कम थी वो थी ट्रांजिशन इकोनॉमीज के थ्रू, फिर नॉर्थ अमेरिका में, फिर यूरोप में, फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज में, और फिर डेवलप इकोनॉमिक से। दोस्तों ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ FDI इनफ्लोज इन एज फॉलोज। अब हम नेक्स्ट हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं, जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये आज के हम स्टडी करेंगे, और जो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट गैट स्ट्रिप्स और टर्म्स है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या। जो आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में, जो सक्सेसर थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी GATT की।
पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एज अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई थी गैट की, सो उसका आंसर क्या था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इसका मेन एम था, ये एज अ फॉर्म सर्व करती थी मेंबर कंट्रीज के लिए, जहां पे ट्रेड एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट किया जाता था, अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट राइज हो रहा है मेंबर कंट्रीज में उसको रिजॉल्व किया जाता था, और जो आपकी ग्लोबल ट्रेड लिबरलाइजेशन है उसको प्रमोट किया जाता था। कुछ मेंबर्स आपको मैं बताता हूँ जो WTO के हैं, एक तो चाइना, रशिया और ताइवान, इसके अलावा भी बहुत हैं, बट ये आप तीन नाम भूलना मत। उसके बाद हमारा क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बजट 2020 में, देखो असेंडिंग ऑर्डर में कंट्रीज हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बजट में। सबसे कम कंट्रीब्यूशन था यूनाइटेड किंगडम का, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आती है जापान, जिसका हायर कंट्रीब्यूशन था अगर हम यूनाइटेड किंगडम के साथ कंपेयर करें। थर्ड थी जर्मनी, जर्मनी का कम जापान के कंपैरिजन से उससे भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO बजट जो 2020 का था, चाइना का जर्मनी से भी ज़्यादा था, और लास्ट में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन था जितनी भी मैंने आपको अभी कंट्रीज मेंशन किया, क्योंकि ये पेपर में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया। अब GATT समझते हैं थोड़ा सा क्या है। देखो जो GATT है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसे 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका एम था लिबरलाइजेशन ट्रेड की, इन गुड्स एंड सर्विसेज उसको प्रमोट करना, यानी जितना आप ट्रेड कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज में उसको लिबरलाइज करके उसकी लिबरलाइजेशन को आप प्रमोट करना, इसका काम था। सो इन शॉर्ट जो GATT है ये रिलेटेड किसके साथ है, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट था हमारा मल्टी फाइबर एग्रीमेंट जो 1974 में आया था, ये गवर्न था इंटरनेशनल ट्रेड इन टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग, और इसे 1974 में किया था, यानी बेसिकली जो मल्टी फाइबर एग्रीमेंट था ये रिलेटेड था इंटरनेशनल ट्रेड के, और वो ट्रेड किस में आप कर रहे हो, आप टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग में इस ट्रेड को कर रहे हो। नेक्स्ट आता है नामा, यानी नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। अब इसका क्या मतलब था, ये नेगोशिएशंस और एग्रीमेंट्स है जो रिलेटेड किसके थे, ट्रेड के इंडस्ट्रियल गुड्स में, यानी उनकी लिबरलाइजेशन करो, टेक्सटाइल्स की लिबरलाइजेशन करो, ज्वेलरी होगी, फिश होगी, फिशरीज प्रोडक्ट हो गए, और जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। सो ये था नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। सो कहीं ना कहीं जो नामा किसके साथ रिलेटेड था, ये रिलेटेड था इंडस्ट्रियल गुड्स के साथ, टेक्सटाइल्स के साथ, ज्वेलरी के साथ, फिश और फिशरी प्रोडक्ट्स के साथ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ। सो एक उन्होंने मैचिंग का क्वेश्चन पाया था आपको UGC नेट ने एग्जामिनेशन में, उसको भी देख लेते हैं। सो नामा अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो, जब आप ट्रेड कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज में, उनके लिबरलाइजेशन के साथ रिलेटेड था नामा। जो आपका गैस था उसमें इंडस्ट्रियल गुड्स आ जाते थे, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिशेज, फिशरी प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सारी आ गई। ओके ये ना थोड़ा सा ना ऑपोजिट हो गया है, जो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, जो नामा था आपका वो था रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश, फिशरी प्रोडक्ट, और जो आपका गैट्स था वो रिलेटेड था लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स। सो आप इसको करेक्ट कर लेना, आप ये जो गैट्स है उसका ऊपर है, जो नाम है उसका नीचे वाला है। नेक्स्ट है ट्रिम्स, जो ट्रिम्स है ये मोनोपोली, इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। ये बेसिकली कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स थे, ट्रिम्स का काम था मोनोपोली पावर प्रोवाइड करना जो ओनर्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उनको। जो ट्रिप्स थे ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको लिबरलाइज करता था, यानी कि उनकी लिबरलाइजेशन हो पाए। अब हम फंक्शंस करने जा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के। देखो जो सबसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला फंक्शन आता है, वो आता है एडमिनिस्टर करना ट्रेड एग्रीमेंट्स को। क्या मतलब था इसका, इसमें ओवरसी किया जाता था इम्प्लीमेंटेशन को, यानी देखा जाता था इम्प्लीमेंटेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को और इन्फोर्समेंट किसकी, ये तीन चीज़ें किसकी होंगी, ये थे मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जिनको मेंबर कंट्रीज आपस में नेगोशिएट करती थी। सेकेंड इसमें जो था वो था ट्रेड नेगोशिएशन। अब जितनी भी आपकी नेगोशिएशन जो ट्रेड रिलेटेड इश्यूज पे हो रही हैं, जैसे लाइक ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना या अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना मेंबर कंट्रीज से, उनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही कंडक्ट करती थी। नेक्स्ट इसका काम था डिस्प्यूट्स जो मेंबर कंट्रीज में अराइज हो रहे हैं उनको सेटल करना। देखो जो आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती थी जहाँ पे आप अपने ट्रेड डिस्प्यूट जो मेंबर कंट्रीज के बीच अराइज हो रहे हैं उनको रिसॉल्व किया जाता था,
थ्रू अ फॉर्मल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, यानी एक पूरा बकायदा स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्मल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म था, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, जो WTO ने एस्टैब्लिश किया था मेंबर कंट्रीज में जो डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं उनको सेटल डाउन करने में। नेक्स्ट इसका मेन की फंक्शन था मॉनिटर करना और सर्विलेंस, यानी ये मेंबर्स जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी उनकी ट्रेड पॉलिसीज हैं, जो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स उन्होंने किए हैं, जो उनके ट्रेड फ्लोस हैं, वो कंपाइल करते हैं या नहीं करते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग, इस सब चीज़ों को मॉनिटर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन खुद करती थी। नेक्स्ट आता है कि ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी और कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करती थी। देखो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जितनी भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज थी जो यानी इसकी मेंबर थी, उनको असिस्ट करती थी उनको कैपेसिटी बिल्ड करने में, ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाए अफेक्टिवली ग्लोबल ट्रेड और इंप्लीमेंट कर पाए जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स हैं, जैसे गैट्स हो गया, नामा हो गया, ट्रिम्स हो गया, ट्रिप्स हो गया। ओके, कुछ और फंक्शंस जो पेपर में पूछे गए हैं उनको स्टडी करते हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थे। देखो ये इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन जो ट्रेड एग्रीमेंट्स, यानी जो ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको एडमिनिस्ट्रेट करना और उनको ऑपरेट करना, उसको ये फैसिलिटेट करता था। सो देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम था कि इंश्योर किया जा सके जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुए हैं मेंबर कंट्रीज में, और अच्छे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से किया जा सके मेंबर कंट्रीज के द्वारा। सेकेंड इसका मेन काम था, ये पीरियोडिक रिव्यूज कैरी आउट करता था जो ट्रेड पॉलिसीज के रिलेटेड थे मेंबर कंट्रीज के, यानी इन शॉर्ट जो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलर रिव्यूज कंडक्ट करता था ट्रेड पॉलिसीज के और प्रैक्टिसेस के जो मेंबर कंट्रीज फॉलो कर रही हैं, ताजो इंश्योर किया जा सके कि वो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके और वो जो आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो WTO के रूल के साथ कंप्लाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ओके, होप सो आपको इतना समझ आ गया। अब कुछ राउंड स्टडी करने जा रहे हैं, नेगोशिएशन राउंड थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें से सबसे पहला है दोहा राउंड। देखो जो दोहा राउंड था ना, ये 2001 में स्टार्ट हुआ था, जिसका मेन फोकस उन इशू किस टाइप के इश्यूज पे था, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, सर्विसेज हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया और मार्केट का एक्सेस कैसा, इसका दोहा राउंड का मेन फोकस इन इश्यूज पे था। एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी 1967 में। ओके, सेकेंड जो राउंड है वो था युर्गन राउंड, इसने ये 1986 से स्टार्ट हुआ था और 1994 तक चला था, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएशन हुई थी, यानी युर्गन राउंड के रिजल्ट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी, ताजो वेरियस जितने भी आपके ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हैं जो एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और सर्विसेज वगैरह वगैरह में अराइज हो सके उनको एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट राउंड हुआ था टोक्यो राउंड, जो 1973 से स्टार्ट हुआ था और 1979 तक चला था, जिसका मेन एम था नॉन टैरिफ बैरियर्स कोई और टेक्निकल बैरियर्स जो ट्रेड पे अराइज हो रहे हैं उन पे, यानी चाहे आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं चाहे आपके टेक्निकल बैरियर्स हैं जो ट्रेड में अराइज हो रहे हैं, उनका इस टोक्यो राउंड का मेन फोकस ही वो चीज़ें थी। नेक्स्ट हुआ था कैनेडी राउंड, जो 1964 से लेकर 1967 तक हुआ था, जिसका एम था जितने भी आपके टैरिफ बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। लास्ट में आता है जनेवा राउंड, जो कि एक बेसिकली ओरिजिनल मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन थी जो 1947 से लेकर 1948 तक चली थी जनेवा में। इससे क्या हुआ था, इससे इस्टेब्लिशमेंट हुई थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की, जो लेटर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, देखो जो आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, जितने भी आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करती है, एडमिनिस्ट्रेट करने में हेल्प करती है और उनको ऑपरेट करने में हेल्प करती है, जितने भी मेंबर कंट्रीज में डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं उनकी सेटलमेंट में हेल्प करती है, और पीरियोडिक रिव्यूज जो ट्रेड पॉलिसीज के उनको कैरी आउट किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब जो आपका एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ है इंटरनेशनल ट्रेड की, उसको फैसिलिटेट करना आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये कर भी देती है। अब हम करने, जैसे मैंने आपको बताया, बारी बारी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट्स को सेटल करने में हेल्प करती है, सो एक इसका डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है ना, उसके काफ़ी डिफरेंट स्टेजेस हैं सेटलमेंट की, उनको स्टडी करते हैं, जिनमें से सबसे पहले आती है कंसल्टेशन की।
देखो जो कंसल्टेशन है ना, ये इनिशियल स्टेजेस हैं जहाँ पे दो कंट्री डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है वो ट्राई करती हैं अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए थ्रू कंसल्टेशंस और नेगोशिएशंस। यानी वो अपने लेवल पे ट्राई करते हैं कि जितने जो उनके डिफरेंसेस अराइज हुए हैं उनको कंसल्टेशंस और नेगोशिएशन के थ्रू रिजॉल्व किया जा सके। सेकेंड स्टेप आता है पैनल रिव्यू। अगर तो कंसल्टेशंस फेल हो जाए डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, तो जो फिर कंप्लेनिंग पार्टियाँ वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक पैनल को इस्टेब्लिश किया जा सके जो केस को रिव्यू करेगा और रिकमेंडेशंस देगा केस पे। नेक्स्ट आता है एपिलेट। देखो जब कोई भी पार्टी दोनों में से कंप्लेनिंग या जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुए हैं वो कोई भी पार्टी अपील कर सकती है पैनल के डिसीजन को। अब जो अगर अपील की जाती है तो केस है जो वो रिव्यू किया जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एपिलेट बॉडी के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन का। देखो जब डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जो रूलिंग है अगर वो फेवर में जाती है जिस पार्टी ने कंप्लेन की थी, यानी जिस पार्टी ने कंप्लेन की थी कि जो उसका जो रिजल्ट आया प्रोसेस का अगर उसके फेवर में तो जाता है, तो जो लूजिंग पार्टी है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है कि वो जो मेजर्स उसको मतलब रिजल्ट में कहे गए थे उनको मेयर्स को कॉन्फर्मिटी में लाया जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग। यानी जो उनको रिजल्ट में कहा गया था वो लूजिंग पार्टी को उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट में आता है रिटेलिएशन। देखो अगर तो लूजिंग पार्टी फेल हो जाती है इंप्लीमेंट करने के लिए रिकमेंडेशंस और रूलिंग जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस में जो एपिलेट ने दी थी, तो रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर तो जो प्रिवेलिंग पार्टी है वो ऑथराइजेशन सीक कर सकती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से और इम्पोज कर सकती है रिटेलिएटरी मेजर्स नॉन कंप्लाइंट पार्टी के साथ। तो ये तो था फाइव स्टेप का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं जो आज के सेशन का लास्ट टॉपिक होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फ्रॉम द फॉलोइंग अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तीन मेन प्रिंसिपल्स हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू थे। अच्छा बस आपको इनके नाम याद रखने की ज़रूरत है। जो पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, सबसे पहला है रेसिप्रोसिटी और ट्रांसपेरेंट, सेकेंड है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बाइंडिंग एंड इन्फोर्समेबल कमिटमेंट। एक बार मैं इसको ओवरव्यू देता हूँ। रेसिप्रोसिटी एंड ट्रांसपेरेंट का मतलब है जितने भी प्रिंसिपल्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी के अंदर बनेंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे, वो रेसिप्रोसिटी में होंगे, वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होंगे, किसी भी मेंबर कंट्रीज के अगेंस्ट कोई भी प्रिंसिपल नहीं बनाया जाएगा पॉलिसी फ्रेमवर्क का, वो बिल्कुल इक्वल होगा सबके लिए और वो सभी के लिए बाइंडिंग भी होंगे और इन्फोर्सेबल कमिटमेंट। यानी अगर कोई एग्रीमेंट पे जाए पहुंचा जाता है जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो एग्रीमेंट उनको बाइंड करेगा और जितनी भी उसमें कमिटमेंट्स हैं उनको इन्फोर्स किया जाएगा मेंबर कंट्रीज के थ्रू। सो यहाँ पे आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हमारे IMF वर्ल्ड बैंक वो कंप्लीट होते हैं।